टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, आज हमारे स्मार्ट सिटी लुधियाना में देहरादून से एक टीम आई हुई है, सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल से, वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल ऑफ आवर कंट्री। तो वो आज यहाँ पे स्पेशली जिस पर्पज़ से आए हैं वो हम आपको ज़रूर मैंशन करेंगे। एक हिंदी नाटक वो लेकर आए हैं, एक और द्रोणाचार्य। जी हाँ, ये नाटक फोकस करेगा जो हमारे सोशल इशू रहे स्टूडेंट्स को लेकर। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनके डायरेक्टर से, जो हमसे शेयर करेंगे इस प्ले के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड वेलकम टू लुधियाना। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लग रहा है लुधियाना आकर। फर्स्ट टाइम लुधियाना आ रहा हूँ मैं, और यहाँ के लोगों से मिलकर और जो वेलकम हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट योर इंट्रोडक्शन इन योर वर्ड्स। मैं सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी टीचर हूँ, सो आई टीच हिंदी, एंड रंगमंच जो हमारे क्लब है, सोसाइटी है, उसका मैं मास्टर इंचार्ज हूँ। तो रंगमंच प्लेज एंड इसका सारी जिम्मेदारी, इसका कार्यभार मुझ पर है। तो बहुत से प्लेज किए हैं, स्टूडेंट्स से करवाए हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है उसमें। कह सकते हैं हिंदी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, जिसे कहा जाता है कि बच्चे ना हिंदी समझने में, लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आपको ऐसा खुद पर्सनली फील होता है बिकॉज यू आर द टीचर ऑफ हिंदी सब्जेक्ट? बिल्कुल फील होता है, और उसकी वजह है ये क्वेश्चन जो आपने किया है। ये सवाल हर पेरेंट्स का और हर किसी का होता है कि हिंदी इतनी टफ क्यों है। तो मैं बताता हूँ, मैं उनको भी यही जवाब देता हूँ। हिंदी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिर्फ हम हिंदी ही है जो हिंदी में पढ़ते हैं। Yes, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हम साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, सब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एक हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम कितना वक्त देते होंगे। दूसरी बात, हिंदी की जो लिटरेचर की लैंग्वेज है उससे हमारा वास्ता नहीं रहा। हमारी लैंग्वेज अबे तबे तुझे मुझे तेरा मेरा, बस इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती। तो थोड़ा सा भी हिंदी का लिटरेचर का शब्द आता है सामने, साहित्य का शब्द आता है, तो हम सोचते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए हिंदी की वोकैबुलरी बहुत कम हो गई है जो लिटरेचर की वोकैबुलरी है, इसलिए हिंदी टफ लगती है। अदरवाइज़ हिंदी टफ लैंग्वेज नहीं है, हिंदी सबसे ईजी लैंग्वेज है। क्योंकि हम यूज़ में नहीं ला रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम खर्च नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज़ जो है यूज़ में नहीं आ रही है, तो इसलिए उसको हम मानते हैं कि ये बहुत टफ हो गई है। वी ऑल आर टोटली डिपेंड ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट, बेसिकली इंग्लिश ही हर जगह। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चे की फ्लुएंसी इंग्लिश में हो। Yes, तो हम इसलिए अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं कि बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोले, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि बच्चा अच्छी हिंदी भी बोले। हमें शर्म आती है कि बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, लेकिन हमें शर्म नहीं आती कि बच्चा अच्छी हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहा। मातृभाषा हमारी, मातृभाषा है, हम हमारी राजभाषा है, तो हम क्यों नहीं उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए प्रेफरेबली मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी प्लेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। और आप आज के परिदृश्य में आप देखें तो बॉलीवुड मीडिया या कोई भी हो, हिंदी में ज़्यादा फल फूल रहा है। हिंदी में फल फूल रहा है क्योंकि हिंदी में बहुत स्कोप है, लेकिन हम बच्चों को उस चीज़ उस तरफ एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम उस तरफ उसकी वैल्यूज़ नहीं बता पा रहे हैं। और मैं तो बच्चों से ये भी कहता हूँ कि जो कहानियाँ और कविताएँ आप सुनते हैं ना, यही आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं। मे बी शायद और सब्जेक्ट्स आपको वैल्यूज़ ना दें, आपको नॉलेज देंगे, आपको अच्छी जॉब भी दे सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो है ये लिटरेचर दे रहा है आपको। तो इसमें जो कहानियाँ हमारे राइटर्स ने इतने सालों से लिखी हैं, उसमें छोटी छोटी बातें, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं, बहुत सारी वो छिपी हुई बातें जो बच्चों को हम दे ही नहीं पा रहे हैं। कितने लोग महाभारत देखते हैं आज के बच्चे, आज की जनरेशन? लेकिन मुझे पता है कि जितना क्रू हमारे साथ है, 30-40 स्टूडेंट्स, उन सब ने महाभारत देखी इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज शायद वो लाइफ टाइम महाभारत नहीं देखते। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम बच्चे इसी बहाने हमारे कल्चर से, हमारे इतिहास से जुड़ते हैं। सर, आपकी ये बातें सुनकर डेफिनेटली जो भी ये कवरेज देखेगा उनके दिल तक ज़रूर छू के हो जाएंगी ये बातें। तो चलिए अब बात करते हैं आपके प्ले के बारे में। आप डायरेक्टर हैं इस प्ले के, एक और द्रोणाचार्य, तो आप प्लीज़ इस पे कुछ फोकस कर दीजिए कि बेसिकली आप इस पे क्या लेकर आए हैं, और क्या ये सोशल, हमने जैसे सुना कि सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड है ये प्ले। देखिए, नाटक का नाम एक और द्रोणाचार्य अपने आप में एक अट्रैक्शन है, शब्द में, इस नाम में अट्रैक्शन है, द्रोणाचार्य। लेकिन इस अट्रैक्शन के पीछे कहानी क्या है, द्रोणाचार्य कौन, क्या थे, क्यों उनको याद कर रहे हैं हम आज, ये प्ले उसको बताता है कि हमारी सोसाइटी में एक वक्त से, एक ज़माने से कुछ सामाजिक विसंगतियां हैं, कुछ बुराइयां हैं समाज में, और उन्हें हम ढोते आ रहे हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। तो लाइक स्कूल का जो हमारा उद्देश्य है, स्कूल का जो विज़न है, सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल का, चेयरमैन का और हेडमास्टर का, कि हम सिर्फ ग्रेड्स और नंबर्स पर वर्क ना करें, हम वर्क करें वैल्यूज़ पर,
हम वर्क करें कि बच्चा रिस्पेक्ट करे, हम वर्क करें कि सोशल हो, ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो जब ये वैल्यूज़ स्टूडेंट्स के अंदर भरी जाएंगी, उन्हें दी जाएंगी, तो नेचुरली बच्चा एजुकेट होगा। और एजुकेशन आने वाले वक्त में एजुकेशन यही है, क्योंकि हम इसी चीज़ में लैग कर रहे हैं, इसी चीज़ में पिछड़ रहे हैं। तो एक और द्रोणाचार्य में, एक द्रोणाचार्य कैरेक्टर जो पात्र है द्रोणाचार्य, उसके माध्यम से आज की सोसाइटी में भी बहुत से द्रोणाचार्य हैं, वो बताया गया है कि हम कैसे द्रोणाचार्य बन गए हैं, कि हम चाह कर भी गलत का साथ दे रहे हैं, हम चाह कर भी एहसान तले दब कर गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, चाह कर ना चाह कर भी हम सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हमारी मजबूरियाँ और हम पर जो प्रेशर है, चाहे वो सोशल प्रेशर है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर है, वो हावी हो जाता है। हम एक एहसान लेते हैं और उसके बदले 10 गलतियाँ करते हैं। तो हमारा मजबूरियाँ, हमारा ज़मीर जो है, सब इस तरह से मिक्सअप होते हैं कि हम गलत रास्ते पर चलते चले जाते हैं। तो द्रोणाचार्य के माध्यम से हमने स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स और हमारी सोसाइटी में जो आजकल रेप केसेस हैं, कास्ट सिस्टम है, और इन चीज़ों को लेकर जितनी भी मतलब बातें होती हैं, जितने भी विवाद होते हैं, उन सब को एक सही दिशा देने की कोशिश की है, उन सब के बारे में बताने की कोशिश की है कि इन सब की वजह से, इस कास्ट सिस्टम की वजह से ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इन सब की वजह से, इन सब के पीछे जो वजह है वो हम लोगों के सामने ला रहे हैं कि इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। वन थिंग वी वॉन्ट टू आस्क, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आप भी देखते हैं नॉर्मली हर स्कूल में, आप अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हर स्कूल में हम लोग चिल्ड्रन पे एक प्रेशर डाल देते हैं कि आपको ग्रेड्स लेने हैं, आपकी परसेंटेज हाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है जिस टाइप का आप लेकर आए हैं आज, आने वाले टाइम पे होपफुली आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेस डायरेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं इन प्लेस को देख के। बिल्कुल, डेफिनेटली, और मोटिवेट होना भी चाहिए। हमारा पर्पज़ ही ये है कि हम लोगों को अवेयर करें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, कि हम किस लिए सोसाइटी में हैं, उस चीज़ को लेकर अवेयर करें। तो अवेयरनेस एंड एजुकेट करना, ये हमारा पर्पज़ है इस प्ले को करने का। और सिर्फ हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम दिल्ली में कर रहे हैं, देन गुड़गांव में कर रहे हैं 13 और 14 को। तो अब हम स्प्रेड कर रहे हैं इन चीज़ों को धीरे धीरे, सो दैट सोसाइटी अवेयर हो इस बारे में। सर, आपको स्टूडेंट्स ने कितना कोऑपरेट किया, कितने टाइम पर ये प्ले की शूट कम्प्लीट हुआ? स्टूडेंट्स के कोऑपरेशन के बिना तो प्ले हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी सिक्वेंस हम लाए हैं साथ में, उन सब ने लाइक रात को 11 बजे तक भी प्रैक्टिस की है, कभी 11:30 तक भी। एंड इतना अप्रिशिएट, हम स्कूल के एनुअल डे पर भी इस प्ले को कर चुके हैं, इतना अप्रिशिएट किया गया इस प्ले को। ये प्ले पब्लिक डिमांड पर है, यहाँ पर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आप हमारे यहाँ भी कीजिए, इतना अच्छा मैसेज है इस प्ले में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंड इंडिविजुअली लोगों के लिए, कि वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है, क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है, कि आपको सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा है और हम इसको बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। डेफिनेटली सर, ये प्ले तो कोई भी लुधियानवी मिस नहीं करना चाहेगा। एट लास्ट, डू यू वांट टू गिव एन अपीलिंग मैसेज टू लुधियानवीज, यू आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना? देखिए, जिस तरह का वार्म वेलकम हुआ लुधियाना में मेरा और पूरी टीम का, मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि सिर्फ इस बार ही नहीं, अगली बार फिर से मैं एक और प्ले यहाँ लेकर आऊँ और बार बार करूँ, और यहाँ पर एक ऐसा कल्चर डेवलप करूँ हिंदी को भी लेकर, और सोशल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको अवेयर करने को, उनके बारे में अवेयर करने को लेकर यहाँ पर प्लेस, और यहाँ से लोग सीखें और वो कहीं और जाकर उसे परफॉर्म करें, मैं चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये तो है हमारे साथ सेला क्वी इंटरनेशनल स्कूल देहरादून से जो टीम आई हुई है, और जो आज वो एक नाटक लेकर आए हैं, एक और द्रोणाचार्य, उनके डायरेक्टर, उन्होंने हमसे शेयर किया कि बेसिकली ये जो प्ले है एक और द्रोणाचार्य, ये किस चीज़ पे बेस है, ये सोशल एविल्स जो सोशल हमारे इशूज़ हैं आजकल के टाइम पे, उनके ऊपर फोकस कर रहा है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन है स्टडीज़ को लेकर, हर चीज़ को ले। होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, उनसे हमने बातें शेयर की, बहुत वंडरफुल मोमेंट शेयर किए। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ, शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।